आइए मैं बताता हूँ, 10th बोर्ड जो 2025 में देंगे उसके बारे में बताना चाहूँगा। सिलेबस क्या है उसका, तो जो भी स्टेट बोर्ड वाले हैं वो सब अपना कॉपी पेन निकाल करके तैयार हो जाइए। इसमें देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहता है, प्लस में है 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है, दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का होता है। तो 50% में जो रहता है क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, इजी इजी रहता है, और फॉर्मूला से भी रहता है। आपको 75% जो है सिलेबस से रहेगा, 25% आउट ऑफ सिलेबस रहता है, कोई कोई क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज जानते हैं कि हम बताते हैं कि आज क्या क्या उस चैप्टर से क्या कितना नंबर का आने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर से आता है आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड रहता है। बहुपद, बहुपद में से आता है आपको 5 मार्क्स का, उसमें भी रहता है। उसमें जैसे रहेगा पावर बताने के लिए, कौन द्विघात है कौन नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और तीसरा में आ जाइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2x + 3y इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन रहेगा, और इससे आपको ग्राफ भी रहेगा और सिंपल वाला भी रहेगा कि कितना इसका हल होगा, एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि एक भी हल नहीं होगा, इससे से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन। 10 नंबर का रहता है। नेक्स्ट आ जाइए, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से भी जो है 10 नंबर का रहता है। द्विघात में इसमें हो गया आपका गुणनखंड भी होता है। गुणनखंड में जैसे हो गया 4x + 3x + 25 = 0, ये गुणनखंड हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये 10 नंबर का रहेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके बता रहे। इसके बाद समांतर श्रेणी में 5 नंबर का मात्र आएगा। इसमें हो गया समांतर श्रेणी में हो गया जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस टाइप से जो है रहेगा। तो इसमें डिफरेंट क्या होता है, सब में सेम होता है, जो सेम होगा वो समांतर श्रेणी में होता है, सभी बच्चे जानते ही हैं। क्वेश्चन पे आएंगे तो हम बताएंगे डिटेल में, अभी तो सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं। इसमें से 10 नंबर का आता है, द्विघात समीकरण में से, समांतर श्रेणी में से 5 नंबर का आता है, त्रिभुज में से 10 नंबर का आता है, निर्देशांक में से 5 नंबर का आता है, त्रिकोणमिति में से, परिचय में से 5 नंबर आता है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से 5 नंबर का आता है, वृत्त में से 5 नंबर का आता है, फिर रचना वाला हो गया, रचना वाला में से भी 5 नंबर का आता है। उसके बाद हो गया वृत्त संबंधित, क्षेत्र संबंधित, क्षेत्रमिति संबंधित 10 नंबर का आता है। इसी तरह से पूरा 100 मार्क्स का आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 10 नंबर का आता है, सांख्यिकी से 5 नंबर का आता है, प्रायिकता से 5 नंबर का आता है। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में से है। सब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का रहेगा, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जो भी फार्मूला है, जो भी थ्योरी है, उससे रिलेटेड 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से। तो कुछ कुछ आउट भी रहता है, तो जो भी क्लास ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे उनको हम एक एक करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है और किस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आता है तो कौन सा क्वेश्चन कैसे घूमता है, क्योंकि वो सिलेबस से रिलेटेड ही रहता है, लेकिन कुछ अपना मन से क्वेश्चन बना के देता है। तो ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, और सभी देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम अधिक से अधिक आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर डीके, जो स्पेशल मैथमेटिक्स हम क्लास लेते हैं और रीजनिंग भी लेते हैं, तो जो कंपटीशन बेस वाले हैं उस बेस का भी पढ़ाते हैं, और 10 सबसे लो लेवल में 10 लेवल का ही लेते हैं,
टेन इलेवन ट्वेल्व बीएससी एमएससी रिसर्च लेवल तक है। तो आप तैयार रहिए कि आपको क्या क्या पूछना है, कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं कि ये हमको चैप्टर पढ़ना है, तो आपको स्पेशली हम चैप्टर पढ़ाएंगे। मोस्ट वेलकम है।